मामला सासाराम का है, जहां बाइक सवार तीन अपराधियों ने कोचस बाजार में एक व्यवसायी को गोली मारकर 1,70,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, अपराधी सरेआम फायरिंग करते हुए फरार भी हो गए, तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस आरोपियों की जाँच में जुट गई है। हम अपने घर से जो गोपाल मार्केट है वहाँ से स्टेट बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जा रहे थे, तो स्टेट बैंक के पास सामने में ही एक बाइक सवार पे, ब्लैक रंग की बाइक थी, उस पर तीन लोग सवार थे। पहले हवाई फायरिंग किए, जो पीछे बैठे वाला बैठा था तीसरा नंबर, वो हवाई फायरिंग किया, उसके बाद मेरे पैर में गोली दाग दी, उसके बाद पैसे छीन कर के वो लोग फरार हो गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने ICICI एकेडमी फॉर स्किल्स का किया उद्घाटन। ये एकेडमी एक साल में केंद्र से 320 युवाओं को निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। आपको बता दें कि लखनऊ के बाद प्रदेश का यह दूसरा सेंटर है। कोटा के MBS अस्पताल परिसर में महाशिवरात्रि पर्व पर सोमवार को अंधविश्वास का खेल देखने को मिला। अस्पताल परिसर में 5 वर्ष पूर्व एक युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद आज परिजन युवक की आत्मा को लेने पहुंचे। अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी लगते ही पीड़ित परिजनों को समझाकर वहां से लौटाया गया। शिवरात्रि के दिन कन्नौज में एक ऐसा भी मंदिर है जहां बच्चे बूढ़े सभी जुआ खेलते हैं। जुआ खेल रहे इन बच्चों को किसी का डर नहीं होता। पुलिस के सामने यह बिना किसी डर के बेखौफ जुआ खेलते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ती भी नहीं है। वहीं जुआ खेल रहे बच्चों से जब पूछा गया कि वह जुआ क्यों खेलते हैं, तो बच्चों ने बिना किसी खौफ के बताया कि यह त्योहार साल में एक बार आता है और यह जुआ तो है लेकिन आज के दिन छूट होती है, पुलिस भी नहीं पकड़ती और बहुत लोग खेलते हैं।